हेलो, जय श्री कृष्ण टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट सेकंड जो है वो इसके अंदर डाला गया है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ स्पेशल जो रूल्स हैं, जो कंडीशन है, वो अपने इसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट सेकंड है, इंडेफिनिट का ये है पार्ट सेकंड। ये विषय ध्यान रखना। जो पार्ट थर्ड था उसके अंदर हमने कितना काम किया था, उसके अंदर हमने सिंपल सेंटेंस पर कार्य किया था। मैंने बताया था सेंटेंस जो ऑर्डरिंग है उसमें मैंने बताया था कि सेंटेंस अपने पास में तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो पहला बताया मैंने सिंपल, दूसरा बताया नेगेटिव, तीसरा बताया इंटरोगेटिव। हाँ, चौथा प्रकार भी होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, बट उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अपन को तीन प्रकार के सेंटेंसेस ही याद रखने हैं, बस ये ध्यान रखना। वो समझने वाली बात है, समझ लेंगे अपन, ठीक है ना। तो आज अपन चर्चा करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर, ठीक है। मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के अंदर एचवी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मैंने बताया था कि एचवी तो नहीं होती है, लेकिन उसकी जगह पर क्या होता है, उसके अंदर अगर हमारा कर्ता एकवचन है तो एमवी में अपन क्या लगाते हैं, एस और ईएस, बहुवचन बनाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो एमवी के अंदर कोई किसी प्रकार का एस और ईएस नहीं लगाते, सिंपल सा रूल है। अब बात आती है इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक तो इंटरोगेटिव में और नेगेटिव क्या रखना है, दोनों में एक एचवी लगती है और वो है डू। इसको अपन मानने तो केवल अपन मान सकते हैं डू, ये विषय ध्यान रखना, बट अपन ये भी मान सकते हैं डच, डू और डच। एच ई क्या है, डू है, अपन क्या मान रहे हैं, डू और डच। इसका फंडा आप ध्यान से देखिए, ये डू डच वाला मैटर क्या है। सिंपल सेंटेंस मैंने क्या बताया था, अगर कर्ता एकवचन है तो एमवी में क्या लगता है, एस और ईएस। कर्ता बहुवचन है तो एमवी कुछ नहीं, वो जो सेम है वो सेम रहेगी। यही कंडीशन आती है इस एचवी के अंदर, क्या आती है इस एचवी के अंदर। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव में है तो ध्यान रखना, अगर हमारा कर्ता एकवचन है, अगर कर्ता एकवचन है तब ध्यान रखना ये जो डू है, मैंने क्या बताया था एचवी क्या है, डू। कर्ता एकवचन है तो इस एचवी के अंदर ही अपन क्या जोड़ देते हैं, यस, क्या बन गया, डच। और कर्ता अगर हमारा बहुवचन है, अगर कर्ता बहुवचन है तो केवल और केवल रहेगा डू। समझ में आ गई होगी बात कहां पर आ रही है, डू। तो एचवी क्या है हमारे, डू, ठीक है। कर्ता एकवचन है जिसमें यस जोड़ा तो क्या बन गया, डच। वही मेंटल, वही फंडा जो अपने सिंपल सेंटेंस में किया था, वहां हमने एमवी के अंदर एस और ईएस लगाया था, अब हमने इस एचवी के अंदर एस और ईएस वाला फंडा जारी किया। तो आई होप यू गॉट इट, मुझे आशा है आप समझ गए, ठीक है ना, कि इसमें क्या करना है, करता एवचन है तो इसमें डज लगाना है, करता बहुवचन अपन क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन दो सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। जैसे वह अपने घर नहीं जाता है, वो अपने घर नहीं जाता है, ठीक है। तो है मतलब प्रेजेंट टेंस, ता मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नहीं आया मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो वह मतलब हो गया ही, अब ही के साथ में क्या लगेगी, दूसरे नंबर क्या आती है, एच, तो ही डज। तीसरे नंबर क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, गो, तो फिर क्या आएगा, टू। अब अपने इंग्लिश क्या होगी, हिज, और होम मतलब होम, अपने इंग्लिश क्यों हिज है,
क्योंकि ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज। ठीक है, ये तो था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बात आती है इंटरोगेटिव पर। ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव में भी अपन इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे, इसी सेंटेंस को मोड़ दीजिए। क्या हो, क्या वह अपने घर नहीं जाता है? वैसे तो आप इसको समझेंगे चौथा प्रकार, चौथा प्रकार इसलिए क्योंकि ये क्या से भी स्टार्ट हुआ है और नहीं भी आया, बट मैं इसको ज्यादा महत्व नहीं देता। ठीक है ना, मेरी नजर में इसको ज्यादा महत्व मैं नहीं देता। मेरी नजर में महत्व है किस प्रकार वाला सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकता है। वो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकता है क्योंकि नॉट का लगा नहीं तो फिक्स है। बात क्या थी, कंडीशन हम कहां अटकते हैं इसके अंदर, तो हमें ध्यान इस पर देना है ना कि इस पर ध्यान देना, ये तो फिक्स है। ठीक है ना, आप सुनिए इसका फॉर्मूला क्या था, एचएसएन। ये मैंने बताया ना एचएसएन का मतलब क्या था, एच वर्ब आएगी। अब अगर हमारा करता है वह, तो इसके साथ में एच क्या लगती है, डज। कोई कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि वह के साथ में एच लगेगी डज। ओके, अब डज के बाद में एच के बाद क्या है, एस। एस क्या हो गया, ही। अब तीसरा नंबर किसका है, तीसरे नंबर इसमें नॉट लिखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉट। एमवी से पहले आने चाहिए, विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो डज ही नॉट, फिर क्या आएगा, गो, मतलब एमवी है। ठीक है, गो टू हिज होम, ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप पांच पांच सेंटेंस जरूर बनाना, इंटरोगेटिव के और नेगेटिव के। ये विशेष ध्यान रखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अपने मन से बनाने बड़े आसान होते, फिर भी ना बने तो पिछले मेरे वीडियो देखना जिसमें मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन में ऐसे 10 सेंटेंस प्रत्येक टेंस के मैंने क्लियर करवाए। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंडीशन। ठीक है ना, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं? तो पहला रूल हमें क्या करना है, देखिए रूल नंबर जो फर्स्ट है वो हमें बताता है कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, जहां पर अपन क्या टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप सोचेंगे इसमें सार्वभौमिकता क्या है, तो देखिए ध्यान से, सन यानी सूर्य, राइजेज उदय होता है, इन द ईस्ट यानी कि पूर्व में, सूर्य पूर्व में उदय होता है। क्या ये बात सत्य है? हाँ ये बात सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो जहां सार्वभौमिक सत्य आता है वहां पर किसका प्रयोग होगा, वहां पर प्रयोग होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, राइजेज लगा है, विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, और रूल नंबर जो दो लगाएंगे वो होता है डेली रूटीन का वर्क। ठीक है ना, डेली रूटीन वर्क जो होता है ना, डेली रूटीन के जो भी कार्य होते हैं तो उसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, वहां पर भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। देखिए डेली रूटीन में क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock। ठीक है ना, एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ये तो ये डेली रूटीन का वर्क है। यानी कि आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। ठीक है ना, ये आई है, आई मतलब बहुत चक्कर का, इसलिए इसके साथ में ऐसा ये नहीं लगा, वरना सिंपल होता, सिंपल सेंटेंस है। और अगर मैं यहाँ पर ही लिखता तो यहाँ पर गोज लिखना पड़ता, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना, तो डेली रूटीन का वर्क आ जाए तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग अपन करते हैं। ठीक है, अब अगर बात आती है रूल नंबर थर्ड की, तो थर्ड में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, जैसे एक थी, जैसे एक होता है थिंक,
ठीक है ना, जैसे सी है, थिंक है, और होता है जैसे लुक है, ठीक है ना, और भी कई वर्ड होते हैं, बट ये तीन वर्ड विशेष याद रखना, ठीक है ना। इन वर्ड में ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीनों आप देख रहे हैं, तीनों क्या है, तीनों हमारी एमवी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, मैन वर्ब है। तो तीनों एमवी में अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट है। एक दो और भी होती है, बाद में याद आएगी जरूर लिखूंगा, ठीक है ना। सॉरी चार। तो चौथे नंबर वाली कंडीशन क्या होती है, चौथे नंबर वाली कंडीशन हमें ये बताती है कि चौथा नंबर है कमेंट्रीज में, ठीक है ना, क्या कमेंट्रीज होती है ना, कमेंट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कमेंट्रीज क्या होती है, कमेंट्रीज यानी टीवी या रेडियो पर अगर कोई मैच वगैरह चल रहा है तो वहां पर कमेंट्री की जाती है, तो कमेंट्री में किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, ठीक है। जैसे ही रन्स आफ्टर द बॉल, ही रन्स आफ्टर द बॉल, कमेंट्री का ध्यान रखना, बात तो किसमें हो रही, प्रेजेंट के कंटिन्यूज में हो रही, मतलब अगर कोई खिलाड़ी बॉल के पीछे दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है मतलब क्या होता है, ये आएगा कि ही इज रनिंग आफ्टर द बॉल, बट वहां ऐसे नहीं बोलता, ही इज रनिंग आफ्टर द बॉल, ही रन्स आफ्टर द बॉल, ही पास द बॉल, ठीक है ना, ही पास द बॉल मतलब उसने बॉल को पास किया, जैसे राम पास द बॉल टू द लक्ष्मण, ठीक है ना, मतलब एग्जाम्पल दिया कि राम ने लक्ष्मण को बॉल पास की। अब बात किसमें हो रही है, या तो अपन समझेंगे बात पास्ट में हो रही है, या फिर अपन समझेंगे बात प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रही है, लेकिन लेकिन वह बंदा बोलेगा तो किस में बोलेगा, प्रेजेंट के इनडेफिनेट के अंदर ही बोलना है, विशेष रूप से ध्यान रखना। रूल नंबर आता है फाइव, फाइव में आता है जो न्यूज हेडलाइंस होते हैं, न्यूज हेडलाइंस, इसमें भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना न्यूज हेडलाइन। अब जो न्यूज होती है, न्यूज क्या होती है, किसी भी घटना की घटित जानकारी, घटना घटित हो चुकी है उसकी जानकारी हमें मिल रही है, तो घटना घट गई, बात तो किसमें होनी चाहिए, पास्ट में, हाँ घटना पूरी पास्ट में लिखी होती है, लेकिन उसकी जो हेडलाइन होती है वो किसमें लिखी होती है, वो लिखी होती है इसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट, ठीक है ना, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, तो हमारे पास में अभी रूल आए हैं पांच, ठीक है, तो पांच रूल अपने इसके अंदर से देखें। आप सुनिए, और इसके और कौन कौन से रूल हो सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। अ कार हिट्स टू द बाइक, ओके, तो इसमें न्यूज हेडलाइंस जो होती है जिसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनके अलावा कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिन एडवर्ब का प्रयोग भी अपन किस में करेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनिट। हाँ ये तो ऐसा नहीं कि सारे वर्ब लिख सकते हैं, मतलब ज्यादातर इन जो मैं लिख रहा हूँ एडवर्ब, इनका प्रयोग ज्यादातर किस में होगा, ज्यादातर प्रयोग इसका प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। पहले नंबर पर आता है नेवर, एवर, डेली, ऑलवेज, ठीक है, एवरीडे, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, रेगुलरली,
रेगुलर, एक मिनट है, रेगुलर। तो ये वो वाले एडवर्ब है, इन एडवर्ब का यूज किसमें होता है? इन एडवर्ब का यूज ज्यादातर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। यानी ये अगर आपको कोई मिले नेवर नेवर डेली ऑलवेज एवरीडे एवरीडे जनरली यूजुअली से आइटम रेगुलरली, अगर ये एडवर्ब मिले आपको तो समझ लेना चाहिए हमें किसका प्रयोग करना है। हमें प्रयोग करना है वहां पर प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का। अब देखिए एक कंडीशन और होती है, जैसे एक तो होता है व्हेनेवर, एक होता है वेन, ठीक है। इस वेन के बाद में कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन ये देखी जाती है कि वैसे तो वेन का बाद में जो कंडीशन आती है वाक्य अगर पास्ट में बन रहा है तो पास्ट कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर वाक्य प्रेजेंट में बन रहा है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, ठीक है ना। जैसे अगर वाक्य बन रहा है पास्ट में, व्हेन आई एंटर्ड इन द होम, यानी कि जब मैं घर में प्रवेश